और फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है हम मध्य प्रदेश के पूरे बावन जिलों की जिले वाइज तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उसी क्रम में आज हम अपना अगला संभाग सागर संभाग शुरू करने जा रहे हैं जी यह दोस्तों सागर संभाग सागर संभाग के अंतर्गत दोस्तों छह जिले आते हैं पहले पांच जिले आया करते थे लेकिन अभी एक और नया जिला निवाड़ी दो में बनाया गया उसके बाद से सागर में दोस्तों छह जिले आने लगे एक तो सागर खुदी ज़िला है उसके बाद दमोह ज़िला आता है एक पन्ना ज़िला आता है दोस्तों एक छतरपुर ज़िला आता है और एक टीकमगढ़ ज़िला आता है और टीकमगढ़ से ही अलग होकर दोस्तों अभी निवाड़ी एक और ज़िला बनाया दिया गया है तो सागर संभाग में दोस्तों छः ज़िले आते हैं तो दोस्तों आज हम सागर संभाग का पहला जिला ज़िला सागर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों सागर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को दबा दें दोस्तों सबसे पहले सागर की मैप में स्थिति देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है सागर जी हाँ दोस्तों सागर जिले को दोस्तों भारत के मध्य में माना जाता है भारत के मध्य में स्थित इसको जिला माना जाता है इस कारण दोस्तों इसको भारत का हृदय भी कहा जाता है आगे देख लेते हैं दोस्तों सागर का एक रेलवे स्टेशन का फोटो जैसा कि हर वीडियो में आप देख सकते होंगे हर जिले का रेलवे स्टेशन का फोटो लेने की कोशिश की गई है अब दोस्तों पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है सागर ज़िले का नाम जी हाँ दोस्तों सागर ज़िले का जो नाम है वो एक विशाल यहाँ पर सागर झील हुआ करती थी सागर झील इस झील का दोस्तों एक और नाम मिलता है लाका बंजारा झील दोस्तों इसके कारण सागर जिले का नाम सागर पड़ा अगला पॉइंट लिखा, लिखा हुआ है दोस्तों नबी शताब्दी में चंदेलों ने सागर प्रशासन किया था जी हाँ दोस्तों चंदेल जो राजवंश था उसने भी सागर प्रशासन किया अगला पॉइंट लिखा हुआ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये अगला पॉइंट मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो दोस्तों कहाँ पर खोली गई थी सागर में खोली गई थी 1946 में कब खोली गई थी दोस्तों 1946 में खोली गई थी इसका जो दोस्तों पुराना नाम था वो सागर विश्वविद्यालय था सागर यूनिवर्सिटी था बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों हरि गौर विश्वविद्यालय अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर जी जिया दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला है वो किसको मिला है मध्य प्रदेश की पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी और दोस्तों इसी यूनिवर्सिटी में क्या है गजानन माधव मुक्ति बोध सुरजन पीठ जिया दोस्तों हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में क्या है गजानन माधव मुक्तिबोध सुरजन पीठ भी यहीं पर स्थित है अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रदेश की पहली डी एन ए प्रयोगशाला जी हाँ दोस्तों जो डी का टेस्ट होता है वो प्रदेश में केवल एकमात्र जगह और एकमात्र प्रयोगशाला है पहली जो बनाई गई थी कहाँ पर है दोस्तों वो सागर जिले में स्थित है अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों अगला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है सती प्रथा के पहले साक्ष्य जी हाँ दोस्तों सती प्रथा के जो प्रथम साक्ष्य हैं सबसे पहले जो साक्ष्य हैं प्रमाण है सबसे पहले वो एरण अभिलेख जी हाँ दोस्तों एरण अभिलेख से मिलते हैं और एरण अभिलेख कहाँ पर स्थित है दोस्तों सागर जिले में ही एरण अभिलेख स्थित है और जो एरण अभिलेख है दोस्तों वो शासक भानुगुप्त के समय का अभिलेख है तो सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य यदि पूरे भारत में कहीं मिले हैं दोस्तों तो वो सागर जिले के एरण अभिलेख से मिले हैं अगला पॉइंट दोस्तों मैं आपको ऊपर ही बता चुका मैं जब बता रहा था भारत का हृदय जी हाँ दोस्तों इसको क्या कहा जाता है भारत का हृदय जिला भी कहा जाता है सागर को उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है सागर जिला उड़ान सिंह द्वारा सोलह सौ साठ ईस्वी में स्थापित किया गया था जी हाँ दोस्तों जो सागर शहर है वो उड़ान सिंह द्वारा स्थापित किया गया था सोलह में इसके बारे में जानकारी मिलती है सागर जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आगे देख लेते हैं दोस्तों जबलपुर सॉरी जवाहाल लाल नेहरू जी हाँ दोस्तों जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी जवाल लाल नेहरू पुलिस अकादमी जो दोस्तों डीएसपी और एसआई को ट्रेनिंग दी जाती है वो सागर ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी दोस्तों और ये प्रदेश की पहली पुलिस अकादमी है प्रदेश की ये पहली पुलिस अकादमी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है सागर में और क्या नाम है इसका जवाहर नेहरू पुलिस अकादमी अगला दोस्तों फोरेंसिक लैब सागर में स्थित है जी हाँ दोस्तों फोरेंसिक लैब भी कहाँ पर स्थित है प्रदेश की ये भी सागर में स्थित है अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों प्रशिक्षण संस्थान सागर जिले में स्थित है मापतोल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है सागर जिले में ये स्थित है अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सागर के बीना तहसील के आगा सोद में जी हाँ दोस्तों आगा शोध में जैसा कि हम सब जानते हैं बीना रिफाइनरी के नाम से इसको जाना जाता है ओमान की सहायता से दोस्तों ओमान की सहायता से एक तेल शोधक फैक्ट्री स्थापित की गई है ओमान और भारत की भारत दोनों ने तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है सागर जिले के बीना में और 2011 में इसको स्थापित किया गया था भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दोस्तों इसकी जो फीता काट कर इसका क्या किया था शुभारंभ किया था तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों तेरवा पॉइंट प्रदेश के चार कॉम्प्लेक्सों में से एक स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स जी हाँ दोस्तों प्रदेश में चार सरकारी कॉम्प्लेक्स हैं तो उनमें से एक स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये सागर में स्थित है चार कौन कौन से हैं इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स सागर में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स आगे लिखा हुआ है दोस्तों धमोनी उर्स जी हां दोस्तों धमोनी उर्स छह दिवसीय दोस्तों ये उर्स सागर जिले में लगता है धमोनी उर्स आगे दोस्तों लिखा हुआ आप चंद की गुफाएं आप चंद की गुफाएं दोस्तों किस जिले में मिलती हैं आप चंद की गुफाएं सागर जिले में मिलती हैं अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय अभ्यारण नेरादोही जी हाँ दोस्तों नेरादेही राष्ट्रीय अभ्यारण इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और ये प्रदेश का सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का दोस्तों ये तीन जिलों में फैला हुआ है वैसे तो सागर में दमोह में और नरसिंहपुर में परंतु इसकी ज़्यादा जो क्षेत्रफल है ज़्यादा एरिया है वो सागर जिले में आता है इसलिए इसको कहाँ पर माना जाता है दोस्तों सागर में ही माना जाता है और दोस्तों इस रिलेटेड एक और पॉइंट है नेरा दो अभ्यारण्य में दोस्तों नामीबिया नामीबिया दोस्तों साउथ अफ्रीका का एक देश है यहाँ से दोस्तों चीता लाने की योजना है चीता लाकर यहां पर चीताओं के पुनर्वास के लिए काम किया जा रहा है अगले आगा, अगला अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों मंगलगिरी जैन तीर्थकर जी हाँ दोस्तों मंगलगिरी जैन तीर्थकर ये दोस्तों सागर जिले में स्थित है ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है अगला दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कर कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है अठारह की क्रांति दोस्तों जो हुई थी पूरे भारत में उसमें दोस्तों सागर की छावनी से जिन्होंने नेतृत्व किया था उनका क्या नाम था शेख रमजान शेख रमजान ने दोस्तों सागर की छावनी से टुकड़ी का नेतृत्व किया था आगे देख लेते हैं दोस्तों कसाई खाना विद्रोह जी हाँ दोस्तों कसाई खाना विद्रोह किस ज़िले में है तो कसाई खाना विद्रोह किस जिले से शुरू हुआ था दोस्तों तो ये भी सागर ज़िले से शुरू हुआ था आगे देख लेते हैं दोस्तों पदमाकर जी हाँ दोस्तों पदमाकर एक बहुत ही महत् जाने माने कभी हैं दोस्तों कभी रहे हैं पद्माकर इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था सागर जिले में हुआ था और दोस्तों इन्हीं के जन्म स्थान पर सागर में पदमा समारोह मनाया जाता है आगे देख लेते हैं दोस्तों जो एरन जगह है यहाँ पर अभी हमने ऊपर अभिलेख पढ़े भानुगुप्त के अभिलेख वो एरण दोस्तों बीना नदी के किनारे पर स्थित है अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों राहतगढ़ जी हाँ दोस्तों राहतगढ़ या इसका एक और नाम मिलता है दोस्तों भालकुंड भालकुंड जलप्रपात किस जिले में है दोस्तों तो ये बीना नदी पर सागर जिले में है भालकुंड जलप्रपात और दोस्तों ये एम में भी पूछा भी गया था इसी साल 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था आगे देख लेते दोस्तों हरी सिंह गौर सम सिंह गौर जी जी हाँ दोस्तों हरी सिंह गौर संविधान सभा में मध्य प्रदेश से चुने गए थे जी हाँ दोस्तों जो संविधान सभा थी उसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि गए थे तो हरि सिंह गौर जी मध्य प्रदेश से चुनकर कहाँ पर गए थे दोस्तों संविधान सभा में गए थे डॉक्टर हरि सिंह गौर और पंडित रविशंकर शुक्ल की समाधि भी सागर जिले में ही स्थित थे दोस्तों जो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी थे और पंडित रविशंकर शुक्ल थे उनकी जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों सागर जिले में स्थित है महार रेजिमेंट जी हाँ दोस्तों सेना में एक रेजिमेंट है महार रेजिमेंट इसका जो मुख्यालय है वो भी सागर जिले में ही स्थित है आगे देख लेते हैं दोस्तों कीटनाशक बनाने का कारखाना सागर जिले के बीना तहसील में स्थित है कीटनाशक बनाने का कारखाना सागर जिले के बीना तहसील में दोस्तों स्थित है अगला पॉइंट बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जी हाँ दोस्तों जो ये पूरा क्षेत्र है सागर वाला क्षेत्र वो बुंदेलखंड में आता है और इसका जो विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है वो भी सागर में ही स्थित है गढ़ा कोटा का किला सागर जिले में स्थित है जी हाँ दोस्तों गढ़ा कोटा का किला भी कहाँ पर स्थित है तो ये भी सागर जिले में ही स्थित है अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों देवरी का मेला जी हाँ दोस्तों देवरी का मेला मेले कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं खासतौर से दोस्तों व्यापम इस तरह के टेढ़े आड़े क्वेश्चंस पूछता है तो देवरी का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है ये क्वेश्चन भी आ सकता है तो सागर जिले में ये मेला लगता है अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों दसान बेबस बामनेर सोनार आदि दोस्तों जो नदियाँ हैं वो कहाँ पर बहती हैं सागर जिले में बहती हैं अगला और दोस्तों अंतिम पॉइंट देख लेते हैं राहतगढ़ का किला जी हाँ दोस्तों राहतगढ़ का किला एरण अभिलेख राहतगढ़ जलप्रपात जो आदि पर्यटन स्थल हैं दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं ये भी सागर जिले में ही स्थित हैं तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद